हे गाइस, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं आप? होप सो आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई, इस वीडियो में हमने 1 से लेके 100 तक के स्केयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो आप वीडियो में अच्छे से देख लेंगे। पर उससे पहले एक बात सुन लो अच्छे से। बात क्या है? बात ये है कि आपको 1 से लेके 100 तक के स्केयर जो मैंने पढ़ाए इस वीडियो में, एक सिटिंग प्लान, एक बार बैठते हुए, एक बार बैठ गए आप फिर उठना नहीं है जब तक 1 से लेके 100 तक के स्केयर आपके कंप्लीट ना हो जाए आपकी कॉपी में। जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो और शुरू हो जाओ 1 से लेके 100 तक का स्केयर, ठीक है। एक एक निकालना है कैलकुलेशन करके, उसके बाद ही कुछ करके करने जाना भाई, समझ में आ रहा है? ऑल द बेस्ट, अच्छे से देखिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम 1 से लेके 100 तक का स्केयर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। 1 से 100 तक स्केयर, स्केयर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, ठीक है। कैसे निकालें ये मैं आपको बताऊंगा, काफी आसान तरीका बताऊंगा। और ध्यान दीजिए भाई, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते समय या कैलकुलेशन करते समय आप लोगों को काफी आसानी हो सके, आप लोगों के लिए जो चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन काफी आसान हो सके, इसलिए आप 1 से लेके 100 तक स्केयर की प्रैक्टिस करेंगे। आपको करनी है, आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से न्यूमेरिकल तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन अच्छे से आती होंगी, ठीक है। इनमें से कुछ चीजें आपको लर्न करनी है, कुछ मैं आपको बिल्कुल एक आसान सा तरीका बताऊंगा कैसे आप 100 के रिस्पेक्ट में 100 के आसपास वाले नंबर्स का स्केयर निकाल सकते हैं, 50 के रिस्पेक्ट में 50 के आसपास वाले नंबर्स का स्केयर निकालते हैं। यानी हम दो फॉर्मूला करेंगे एक प्रकार से, एक तो 50 का फॉर्मूला और एक 100 का फॉर्मूला, जिससे आप आसानी से स्केयर निकालें, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। तो आ जाइए भाई, शुरू करते हैं अपना। क्या सबसे पहले ये बताइए, स्केयर का मतलब आप क्या समझते हो? मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर दे दिया, 3 एक नंबर है, मैं बोल रहा हूं आपको 3 का स्केयर बताओ, 3 का वर्ग बताओ कितना हुआ। तो 3 के वर्ग को 3 की पावर लिखते हैं 2। यह शॉर्ट सिंपल तरीका लिखने का, 3 का स्केयर, 3 का वर्ग। अब इसका मतलब होता है जो अंक 3 है ना, नंबर 3, इसकी 2 बार गुणा कर दो, ये मतलब होता है पावर का। अब 3 × 3 करें कितना आएगा आंसर? 9। आप आसानी से जानते हैं, ठीक है। ऐसे मैं बोल दू 4 का स्केयर करो, भी ऐसे लिखोगे फिर 4 की 2 बार गुणा कर दो कितना हो गया 16। 4 की पावर कितनी? 2, ठीक है। जब पावर 2 हो तो हम उसे कहते हैं स्केयर, ठीक है, ओके। तो आइए भाई, 30 तक के स्केयर पहले आपको याद रखने पड़ेंगे, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। गुणा करो, वो जैसे 1 का स्केयर निकाले, 1 की 1 के संतुलन कितना हो गया 1, ठीक है। 1 का स्केयर कितना होता है भाई? 1 होता है, ओके। 2 का स्केयर कितना होता है? 4। 3 का स्केयर कितना होता है? 9। समझ तो गए कैसे निकालते हैं, 4 की 4 के साथ गुणा। भैया 10 तक तो हमें भी आता है, 20 तक भी आता है, 30 तक याद होना चाहिए। 28 का स्केयर बताओ जल्दी से, जिसको ये लगता है नहीं सर 3 का स्केयर तो मुझे आता ही आसान होता है, इसका बताइए जरा। फिर 48 का स्केयर बताओ, फिर 65 का स्केयर बताओ, फिर 98 का स्केयर बताओ, और टाइम कैलकुलेट कर लो, एनालाइज करो, सेल्फ एनालिसिस। ये कितना समय निकालते लगाते हो, ठीक है। मैं कहता हूं 89 का स्केयर निकालो, टाइम नोट करके देख, फिर निकाल कितने पानी में है पता कर, ठीक है। फिर देखना वीडियो देखने के बाद कितना आसानी से निकालते, दोनों का अंतर करना सीखिए भी। वीडियो से पहले आप वो क्या था, कहीं से पढ़े आपसे, जो हाँ से पढ़ रहे हो वीडियो को, पढ़ने के बाद आपको क्या आता है, क्या फर्क है, अगर ये आप समझने शुरू कर ले, ये अगर आप समझ गए इस पॉइंट को, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हैं, गारंटी अपनी तरफ से क्लियर हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको एग्जाम क्लियर करने से, ठीक है। सक्सेस आपके साथ होगी, सिंपल सी बात है। तो आजा देख, 4 का स्केयर, 4 की 4 के साथ गुणा कितना हो गया 16, 5 का कितना हो गया 25, 6 का कितना हो गया 36, 7 का कितना हो गया 49, 64, 8 का स्केयर 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121, 12 का 144, 13 का स्केयर कितना होता है भाई 169, 14 का स्केयर कितना होता है 196, 15 का स्केयर कितना होता है
225, 16 का स्केयर कितना होता है 256, 17 का स्केयर कितना होता है 289, ठीक है, 18 का स्केयर कितना होता है 324, 19 का स्केयर कितना होता है 361, 20 का स्केयर कितना होता है 400, 21 का स्केयर कितना होता है 441, 22 का स्केयर कितना होता है 484, 23 का स्केयर कितना होता है 529, 24 का स्केयर कितना होता है 576, 25 का स्केयर कितना होता है 625, 26 का स्केयर कितना होता है 676, 900, 29 का स्केयर कितना होता है 848, कहीं से कोई पूछ ले, 27 का स्केयर कितना होता है 729, 28 क्यों छोड़े आपके भरोसे, निकालो जल्दी से कितना होता है 784, समझ में आ गया। अब सुनो, अब बताओ सर इतना तो हमें भी आता है, 31 का स्केयर बताओ सर कितना होगा, 32 का स्केयर बताओ सर कितना होगा, 100 का क्लिक तो दिया, 33 का स्केयर बताओ सर जो आपका फेवरेट है इसका कितना होगा, और आप कितनी देर में निकाल के दिखा देंगे हमें, 34 का स्केयर बताओ कितना होगा। पहले मैं आपको 50 का स्केयर बताओ पहले 50 का फॉर्मूला बताते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं 50 का फॉर्मूला। तो 50 के आसपास के नंबर्स का अगर आप स्केयर निकालना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करना 50 का फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? हाँ, कैसे इस्तेमाल करना है वही एग्जांपल समझ, देखो मैंने बोला आप 49 का स्केयर निकालो, यानी कहीं पे आ जाए 49 की दो बार गुणा ले, ठीक है ओके। आप क्या करेंगे 49 में से बताओ, जैसे मैं निकालता हूं, मेरा तरीका, मैं 49 में से एक घटाऊंगा, ठीक है, कितना आ गया 48, दो से भाग करूंगा कितना हो गया इसका 24, एक का स्केयर कर दूंगा 1, ठीक है, लिख दूंगा कितना 2401 है, हो गया 48 का स्केयर निकालना है मुझे, ठीक है, दो कम कितना हो गया 40, कितना हो गया 23, 0, दो का स्केयर 4, क्या करने हो सर आप 47 का स्केयर निकालो, कितना 3 कम करो 47 में 3 में 44 कितना हो गया 22, 0, 9, ये क्या कर रहे हो सर मुझे भी समझा लो जल्दी से, 46 का स्केयर निकालो, 4 कम करूंगा मैं कितने हो गए 42 का हाफ करेंगे 21, 4 का स्केयर 16, इतना आसान है, हाँ इतना सही, अरे सच में आसान है भाई, तुझे क्या लगा, अब देख टेक्निक 45 का स्केयर निकालते हैं, चल आ जा अब की मैं तुझे सिखाता हूं, कुछ नया सीख के जा, हर रोज कुछ नया सीख, ठीक है, और जब भी वीडियो देखे ना खासतौर पे अपनी, तो भाई कॉपी में लिख लियो, ठीक है, वरना जो पॉजिटिव वाइब्स यहां से निकलती है ना, देखिए ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपकी तरफ आती है, हाँ कुछ लोगों से नेगेटिव एनर्जी भी आती है, ठीक है, तो जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले ना तो आपको खींचनी पड़ती है अपनी तरफ, पर ध्यान देके, ठीक है, तो यही मेन बात होती है। अब आप लोग मान लो कि मैं तो कॉपी पेन निकालूंगा देख लूंगा, तो मुझे तो सब कुछ आता है भाई, कितना आता है, प्रोसेस को फॉलो कर, चाहे तुझे कुछ भी आता हो, स्वाभिमान होना अच्छी बात है, अभिमान होना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, और जो हमारे अंदर है ना सबकॉन्शियसली अपने आप डेवलप हो जाता है, कोई कहते नहीं 3 का स्केयर तो मुझे आता है, मुझे अरे यही तो ये क्वेश्चन पूछूंगा बेटे, ये तो तू आसानी से निकाल देगा, ठीक है, तो इसलिए कॉपी पेन जब भी वीडियो देखे अपनी वाली तो भाई जरूर, वरना देखो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, मतलब समझ लो सीधे आउट है क्वेश्चन, कॉपी पेन है तो वीडियो देख वरना छोड़ दे, चिल मार मौज ले, समझ में आ रही है बात, अदरवाइज कॉपी पेन जल्दी से निकाल, वीडियो पॉज कर जल्दी से कॉपी पेन निकाल, रोज जरूर कर दे 45 गुना देख, तो 45 × 45 निकलेंगे, तरीका सुन लेना भाई, 50 के स्केयर में स्केयर निकाले तो आपको दो दो नंबर लिखने हैं, दो दो अंक, 4 अंक लिखेंगे आप, ठीक है, आप मान लो 50 के आसपास वाले ऊपर जाए नीचे जाए, सुन लीजिए यहां पे, जैसे इनमें जैसे 46 का स्केयर किया कितने अंक आ रहे हैं 4, तो इनमें जो दो अंक है ना ये अलग लिखे जाएंगे और ये आगे वाले दो अंक ये अलग तरीके से लिखे जाते हैं, अब इनका तरीका सुन कैसे क्या करेंगे, देख ये नंबर देख 45 का स्केयर, ठीक है 45 नंबर है, ठीक 50 से कितना कम है 45, 50 में से 45 घटा कितना है आंसर 5 आ गया ना 5, 50 में से 45 घटा कितना है 5, अब ये 5 इस 45 में से घटा दिया, पहले भी ये देख कोई नंबर जिसका स्केयर निकालना है 50 के हिसाब से 50 में कम हो 50 से तो क्या कंडीशन हो, जितना कम उतना और कम कर दे उसमें से, कितना करेगा 45 में से 50 से कितना कम है 5 कम है 5 और कम कर दे कितना आ गया 40,
इसमें से घटा पांच कितना आ गया भाई 40, 40 का हाफ कर दे कितना आ गया 20, दो अंक लिख दिए ठीक। अब जो तूने 50 में से घटाया है या ये समझ ले 45 में से घटाया है, वही घटाना है जो 50 में से घटाएगा वही उस नंबर में से घटाएगा, 20 आया उसका स्केयर कर कितना आ गया भाई 25, उनसे कितना आ गया 20 25 समाप्त, 2025 45 का स्केयर करके देख ले, फिर से आ जा 40 का स्केयर दे, कैसे किया मैंने 40 50 से कितना कम है भैया 4 कम है 50 से, 4 घटा दे कितना आ गया 42, अब जो 42 आया इसको 2 से भाग कर दे कितना आ गया 21 ठीक। अब 21 के साथ क्योंकि दो ही नंबर दो ही अंक लिख सकता है तू, दो ही अंक कैसे कि जो तुमने घटाया क्या घटाया 4 घटाया इसका स्केयर लिख दे कितना हो गया 16, तो 16 ऐसे टेक दे आगे देखता जाए, यहां पे आ जा 49 का स्केयर दे, इनका तू निकाल के देखिए इसी तरीके से 49 का स्केयर दे क्या हुआ 50 से कितना कम है एक कम है ना, तो इसमें से तू एक घटा दे 48 का स्केयर 50 से कितना कम है 2, दो घटा देता 48 में से, तो मैंने 49 में से एक घटा दिया कितना गया 48 ठीक, 48 को 2 से भाग कर फिर 48 को पास भाग किया कितना गया 24, अब मुझे यहां पे दो नंबर लिखने हैं दो अंक लिखने समझ रहे, अब दो अंक कैसे जो घटाया है एक घटाया ना इसी का स्केयर कर, एक का स्केयर कितना होता है और दो कैसे लिखेगा आगे जीरो लगा, एक ही रहना चाहिए आगे जीरो लगाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा समझ में आ रहा है, एक में जीरो एक एक होता पर साइन राइट हैंड लगा देगा तो क्या होगा इसको ऐसे लगा देगा तो 10 बन जाएगा, लिखना एक ही है ना क्या लिख सकते हो दो अंक की फॉर्म में एक को कैसे लिखेंगे जीरो में, तो भी जीरो का आंसर यहां पे 48 में क्या किया 48 50 से दो कम है दो घटा दे 48 में से कितना आ गया 47 कितना आ गया 46 40 का हाफ कर 23 ठीक है, जो तूने घटाया उसका स्केयर कितना हो गया 4 और दो अंक लिखने आगे जीरो लगा 23 जीरो 4 आसान है कि नहीं ठीक है भाई आ जा तो भाई आगे चल बढ़ाओ चलते हैं भाई 45 पे आ गया ठीक है 44 का स्केयर निकाल, तुम तो देखिए 50 का फॉर्मूला 50 से कम वालों के लिए कैसे है और 50 से ज्यादा वालों के लिए कैसे हो देख 44 का स्केयर देख, हां फिर इनका भी देखेंगे 44 का स्केयर कितना होगा 44 का स्केयर 44 कितना कम है 6 कम है डन 6 कम है तो 6 घटाएंगे 44 में से 6 गए 38 लिखते हैं ठीक है 6 घटाया है इसी का स्केयर कर दो भी फॉर्म में लिखना है 6 का स्केयर कितना होता 36 बस समाप्त हो गए आंसर आ जा 44 से गुणा करके दिखाता हूं तुझे 44 44 44 4 4 16 4 4 16 17 सेम है तो 176 अरे कहां पर सॉरी 38 का हाफ कर भाई 19 भूल गया था ना भूलना नहीं है सर आपको भी नहीं भूलना है फिर से सुन ले 44 में से 6 घटा 38 उसका हाफ भी तो कर ऐसे भूलना नहीं है ठीक है खुद तो भूल जाते हैं हाँ कितना आ गया 38 38 का हाफ 19 ठीक है 19 6 का स्क्वायर लिखते हैं यहां पे 36 समा आ जा कितना हो गया 6 7 और 6 13 7 और 1 8 1 हसल लगी ठीक है और कितना 1 7 और 6 1 1 और 1 2 और 7 9 आया कि नहीं है और कुछ नहीं किया सकता नहीं हाफ भी तो करना है भैया भूलना मत 100 के केस में हाफ नहीं करना होता 50 के केस में हाफ करना ही है आपको आधा है ना 100 से 50 इसलिए करना है हां 43 का 43 का स्क्वायर अब तू निकालेंगे 43 50 से कितना कम है 7 तो मैं इसमें से 7 घटाऊंगा सर 43 में 7 घटाते सर कितने बच गए 36 बच गए क्या सर बिल्कुल 3 गए सर 4 हो गए ऐसे कर तोड़ के घटा लिया 7 घटाने ठीक है 3 और 4 के जोड़े में घटा दो 3 घटा दो 40 हो गया 4 घटा दे कितना हो गया 36 ठीक है 36 आ गया सर 36 साफ कर देंगे 18 आ गया सर 7 घटाया सर 49 लग गए यहां पे दो अंक इसके दो अंक आ गया सर 42 का स्केयर आ गया 8 कम करेंगे सर 8 2 36 34 आ गया सर 34 का 17 34 का कितना हो गया 17 8 2 64 17 64 आ गया 42 का स्केयर सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा 42 का स्केयर 17 64 होता ले करके देख दो बार गुणा करके देख एक बार विश्वास कर ले ठीक है 4 8 16 1 7 अब भाई 17 64 होता है समझ में आ रही है कहानी हो गया ना विश्वास डन है ठीक है 41 का स्केयर कितना कम है 9 कम है 9 घटा 32 और 9 कितने होते हैं 41 32 का हाफ कर कितना हो गया 16 9 का स्केयर 81 दो अंक रखने अब देख थोड़ा तो जो कंफ्यूजन आएगा वो क्लियर होएगा 40 पे आएगा 40 का तो सार हो गया नहीं सर करके बताओ 40 का क्या चक्कर सर आपसे भी जल्दी निकाल दूंगा मैं दो तरीका लगाते हैं
दस का स्केयर, दस है ना, चालीस, पचास से दस कम है। एक बार सीख जा पक जाएगा भाई, बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस किया करो जब चीजें नहीं हो रही हो तो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, व्हाट एवर यू वांट टू मेक, चाहे वो आर्ट में हो, बायोकेमिस्ट्री हो, ये क्या होते हैं, आएंगे सब्जेक्ट अभी, जल्दी से टेस्ट क्वालिफाई कर नीट का, एमबीबीएस में आ जा, पता चलेगा। हाँ पैसे दस कम है ना, पचास से दस कम है, पचास से कितने कम है, दस, तो मैं दस घटाऊंगा सर इसमें से, चालीस में से घटा कितना गया, तीस, तीस की हाफ करूंगा सर कितना गया, पंद्रह कर दिया मैंने, पंद्रह सर दो अंक लिखूंगा सर, दस 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 का स्केयर करूंगा, फिर क्या करेंगे जो भी उसका स्केयर, दस से कितना होता है सौ, मुझे केवल दो अंक लिखने हैं आपको, केवल दो दो जी लगा दी, अब जो एक का है ना ये समझ लो, वो उसमें ऐड कर देना जो आगे अंक है, कितना होगा पंद्रह में एक ऐड करो कितना होगा, सोलह, मान लो दो आ जाता, दो जोड़ देते सर हो जाता, अलग से केस में देखते हो गया भाई, यहां पे आ जाओ, इकतीस का स्केयर, इकतीस का स्केयर सर, मैं तो जल्दी से ऐसा नहीं कर दूं, उन्नीस का मैं कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन करता हूँ, जुदा ही कर लियो, ये भी ठीक है भाई, तो कई बार इन चीजों का लग जाता है ना, अच्छे तो करो, करते हैं फिर से करते हैं बाद में, ऐसे तो निकाल ही लेंगे आप, ठीक है, कितना हो गया, उन्नीस, उन्नीस का मैं उन्नीस घटा कितने आ गए, बारह, बारह और उन्नीस इकतीस, ठीक है, बारह का हाफ कर छह, बारह का हाफ कितना हो गया, छह, पैसा कैसे रख, डन, ठीक है, जो अंक आए आप वे लिखना है, ये नहीं आप दो नंबर लिख दो नंबर आगे जो लगाना है, अब दो हो गया, उन्नीस का स्केयर कितना होता है, तीन सौ इकसठ, कितना तीन सौ इकसठ, इतना याद रख लेता था सीधा गुना कर लूंगा मैं, उन्नीस के मुझे कहा आता है इतना जल्दी, है ठीक है, आपने ऐसे लपेट दिया, ये रट रखा हुआ था आपने, तो ऐसे हाँ भाई रट रखा है, बार बार प्रैक्टिस करो उसे रटना कहते हैं, जिनको डाउट है ना ये रटना ऐसे सोचते हो मैं तो रट्टा मारे, जो तुम्हें ऐसे कैसे दिख जाए ना उसकी बात तो भी विश्वास मत करियो, उसे पता ही नहीं है कुछ, अब देख लो कौन कौन ऐसा कहता है आपको, क्लिंचिट, हाँ आ जाओ, तो उन्नीस घटाया, उन्नीस का स्केयर करना पड़ेगा, तीन सौ इकसठ, तो दो हम लिख सकते हैं तीन सौ इकसठ के, बता कितना, तीन क्या करेगा इस वाले में ऐड, छह है, छह में तीन ऐड कितना आ गया, जीरो नौ लिखना पड़ेगा, नौ सौ इकसठ होता है बिल्कुल डन, इसमें कोई दो राय नहीं, बत्तीस का स्केयर कर, एक चार चौबीस होता है जानता है, तो नहीं आप ऐसे करते हो ना बत्तीस का, मैं तो ऐसे करूंगा सर, आठ गुना में चार सर, चार गुना में आठ, चार चौके सोलह सर, अठो टू चौसठ, कहां तक जाएगा, ऐसे कर तोड़ सकता है टुकड़े, तो इसमें कोई दो राय नहीं, तो राजो नहीं दो की पार चार करूंगा सर, इसको इसको दो की पावर कितना करूंगा सर, दो की पार चार बत्तीस, पार दो की पार छह, और मुझे पता सर दो की पार कितना हो गया दस, और दो की पार दस मुझे पता है कितना होता है, एक हजार चौबीस, जबरदस्त आइडिया भाई तेरा, इसमें कोई दूरा नहीं, समझ में आ गया, ठीक है तो पार हम क्या करेंगे, बत्तीस कितना कम है, अठारह, बत्तीस में से अठारह घटा, जल्दी से घटा, बत्तीस में कितने घटाने हैं, जितना पचास से कम हो उतने घटाने हैं, नहीं आते सर घटाने, बत्तीस में घटाना कैसे घटाऊं सर मैं, तो पहले क्या कर, बड़ा आसानी से जा, अठारह में से दो ले ली, सोलह बच गया, बत्तीस तीस बच गया, तीस में सोलह घटा, फोर्टीन बच गया, फोर्टीन का हाफ कर, दो अंक याद रखने, ठीक है, क्या अठारह 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 कितना, तीन सौ चौबीस, ठीक है, तीन सौ चौबीस कैसे लिखेगा, चौबीस के दो अंक यहाँ पे, तीन इसमें ऐड कर, आ गया ना इधर चौबीस, तैतीस का स्केल, यार माय फेवरेट है, निकाल सत्रह का मैं ना, सत्रह घटा तैतीस में से, सर तैतीस में सत्रह कैसे घटा, कैसे दूंगा सत्रह तैतीस में से, जल्दी से घटा भाई, एक दो तीन सेकंड है बस, एक दो और तीन समाप्त, प्रैक्टिस समझ में आ रहा है, एनालाइज कर पा रहा है अपने आप को, बोल जल्दी से, हाँ करना क्या है, तैतीस में से घटाना है, सत्रह में से घटाना, सत्रह घटाना है तैतीस में से, क्या कर, बड़ा बड़ा आसान जाएगा, छोड़ सीधा मत जा, तुझे याद नहीं है, तेरह घटा, तैतीस में से तेरह घटाया तुमने, कितना आया सर, बीस, चार और घटा दे, टुकड़ों ने तोड़ के किसी भी सोल्यूशन का, किसी प्रॉब्लम का हल किया जा सकता है, और कितना आसानी से कर सकता है, सीधा सर सत्रह में चौंतीस होते हैं, सत्रह घटाने चौंतीस होते हैं ना, सत्रह में चौंतीस, तो मतलब सत्रह में सोलह डिग्री कम कर दो तैतीस हो जाएगा, तो एक सत्रह का एक सोलह, सोलह सत्रह कितने होते हैं तैतीस, सिंपल, तो कितना कितना बच गया, सोलह बच गया, इसका हाफ कर कितना हो गया आठ, दो अंक की फॉर्म में लिख दिया, सोलह का स्केयर कितना होता भाई, दो सौ छप्पन, यहाँ पे छप्पन लगा, यहाँ पे दो कर एक हजार छप्पन, सोलह 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 कहाँ सत्रह, सत्रह घटाए ना ध्यान से, क्या सर आपका फेवरेट क्या कर रहे हो आप, इससे आ जा भाई,
36 37 38 40 निकाल देंगे। फिर भी चलो मैं 35 कर देता हूं, 24 कर देता हूं, 24 कितना का मैं 16, ठीक है 16 अठारह कितने होते हैं अभी जल्दी था, 16 में 18 ऐड कर, 16 है ना, 50 से 16 कम है, 16 घटा दे इसमें से, कितना बचेगा 18, 18 का आपका कितना हो गया 9, 16 में कितनी होती है 256, यहां पे 56 लग, यहां पे 2 जोड़ दे। आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया, ये तरीका है ठीक है। पर फिर भी भाई 31 32 का तो जो ध्यान ना, तो सीधा 31 के 31 से गुणा करना आसान हो जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9 1 6 961 ये था ना अपना 961 इन्हीं गुणा आसान। पर ये है कि जब 44 की रेंज आए ना, 41 से 50 तब तू आसानी से कर सकता है गुणा, ठीक है। तो ये 50 के आसपास के कम नंबर्स का निकालने का 50 का फॉर्मूला था जिसमें आसानी से स्केयर निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, जितना कम उतना घटा, फिर उसका हाफ कर, फिर जो लिखा है उसके केवल दो अंक लिखने हैं, वो दो अंक मान ले एक दो ये हो पा रहे हो, एक बताए तो एक ग्यारह, तो एक आगे जीरो लगा दियो, सिंपल तरीका। अदरवाइज ज्यादा आ रहा हो, एक मान लो 121 आ रहा है, चलो ठीक है देखो एक तरीका, एक और देख लो। मैंने बोला 39 का स्केयर निकालो, 39 का स्केयर ठीक है, मुझे बताया 50 से कितना कम 39, 11 11 घटाओ 39 में कितना बच गया 28, 28 से हाफ करो कितना हो गया 40, तो 40 यहां पे जो भी है यहां पे लिख दो, दो अंक है 11 घटाया इसका स्केयर करो, 11 घटाया ना आपने इसका कितना हुआ 121, 21 यहां लिख दो, एक जो बचा इसमें ऐड करना 1521, सिंपल ठीक। तो हमने क्या कर लिया अभी 50 का स्केयर का 50 का फॉर्मूला लगा दिया 50 के आसपास के नंबर का स्केयर निकालने के लिए, ये 30 तक तुझे याद होनी चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी भाई तेरी प्रैक्टिस है ठीक है। चाहता है कि बहुत अच्छे से मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ सर, कैलकुलेशन अच्छी करना चाहता हूँ, आसानी से कर सकता है ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे 50 का फॉर्मूला 50 से ज्यादा नंबर वालों के लिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। चलिए भाई अब हम 50 से जो ऊपर के नंबर है 50 का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए उनका स्केयर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको 51 का स्केयर निकालना है, तरीका सुनिए, घटा जब कम था नंबर तो घटाते थे, ज्यादा हो गया नंबर 50 से तो आप उसी में उतना ही ऐड कर देंगे, बताओ 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक ऐड कर दो, कितना हो गया 50 और 51 कितना हो गया 52 ठीक है। इसका हाफ करो, 50 का फॉर्मूला था जो भी हाफ करना पड़ेगा कितना गया 26, दो अंक हो गए, दो अंक लिखने, जो आपने घटाया हो या बढ़ाया हो उसी का स्केयर करते लिखते हैं, तो बताओ एक बढ़ाया आपने या 50 से एक ज्यादा है क्या, तो एक का स्केयर कितना हो गया 1, दो अंक लिखने हैं तो आगे जो लगाते हैं किसका 52 करना है, 52 50 से दो ज्यादा दो ऐड कर दो 54 हो गया, 54 का हाफ 27, जो आया है दो किया है इसी का स्केयर 0 27 55 का स्केयर 5 ज्यादा है 5 ऐड कर 60 हो गया, हाफ कर 30 हो गया, जो स्केयर 5 आपने बढ़ाया उसी का स्केयर 7 में लिख दिया, लेकिन दो दो अंक लिखने हैं समझ रहे हैं। 59 पे आ जा, 9 ज्यादा है 9 ऐड कर 68 हो गया, 68 का हाफ कर 68 30 30 60 34 गुणे 68 होते हैं कितना आ गया 34, 9 बढ़ाया है 81 ठीक, सिंपल सा आंसर। अब भाई आप ये कह देंगे नहीं सर ये ऐसा नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, सीधी बात यही कह दो ना, विश्वास नहीं है सर, बस नहीं है सर विश्वास, लेकर के देख ले भाई बोला 999 जा 81 8 45 और 8 53 45 4 25 और 4 29 1 आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है कि नहीं भाई समझ में आ रहा है ठीक है, आ रहा है सर, आ रहा है अच्छी कुछ 36 सीधा तरीका निकालने, अच्छी कुछ 36 दो 0 36 होता है इसका स्केयर, तो डन है निकालने का तरीका, 10 ज्यादा है 70 हो गया, 70 का हाफ 35, 17 का कितना है 35, अब दो अंक लिखने हैं क्या 10 ही ऐड किया आपने, 10 का स्केयर कितना हो गया 100, 100 को लिखने का तरीका दो अंक लिख सकता है यहाँ पे 2 0, एक जो बचा है इसमें ऐड कर दियो 35 में कितना हो गया 36, अब तो क्लियर है ठीक है। तो जल्दी से 62 का स्केयर कमेंट कर कितना आएगा, 62 का स्केयर कमेंट करना भाई
ठीक है। अब मैं 66 का स्केयर बताता हूँ, 16 ज्यादा है, 16 ऐड कर, 76, 16 ऐड करूंगा तो पता नहीं 66 भी गुणा ही नहीं कर दूंगा मैं। कैलकुलेशन फास्ट बनाना, जल्दी हो जाएगी भाई, सिंपल सा तरीका है। अब 66 में तुझे क्या, 50 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो 16 ऐड करने, तो 16 को तोड़ के ऐड कर ले, 6 और 10 76, 6 82, 82 का हाफ 41, ठीक है, डन। क्या बच गया, 16, 16 सोने कितना, तो 256, दो या नहीं सकता है, 56 या दो वाला ऐड, दो ऐड हो जाएंगे, 41 और दो कितने हो गए, 43 और 56 आ गया। विश्वास नहीं रख करके दे, विश्वास नहीं करके देखना, छिप छुप 36 3, छिप छुप 36 3, 39 और नीचे तो 6 आई है, 6 5 10 2 3, 13 3 56 आ रहा है, ठीक है। अब अगर तुझे ये भाई कहीं ना कहीं टाइम फिजिक्स में देख, टाइम बच जाता, बहुत न्यूमेरिकल्स बच जाते हैं, टाइम नहीं बचता भाई, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, या जब भी मन करे कि तुझे कैलकुलेशन फास्ट करनी हो ना, तेरा कोई भी मान ले पेपर हो रहा कोचिंग में या कहीं पे जो पढ़ रहा है, या तू ऑनलाइन कर रहा है, ठीक है, तो क्या कर, इन स्केयर वाली वीडियो की प्रैक्टिस कर जा कैलकुलेशन की, तुझे है ना परेशानी नहीं होगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल निकालते हुए, मैं गारंटी ले रहा, ट्राई करके अजमा के देखना, ये कि तुझे बातों विश्वास नहीं हो रहा, तो अजमा के देख, जितने ज्यादा 100 तक एक बार स्केयर निकाल दे, तो खुद देख लियो तेरी प्रिपरेशन, मैथ के निकाला मैथ अच्छा हो जाएगा, फिजिक्स के निकाला फिजिक्स के न्यूमेरिकल अच्छे, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल भी अच्छे हो जाएंगे, सिंपल तरीका निकालना, मैं भी इसीलिए सिखा रहा हूँ आपको, टाइम वेस्ट करने, आप सोच नहीं टाइम वेस्ट है, कहाँ आएगा ये नहीं आएगा, तेरी कैलकुलेशन इनडायरेक्टली फास्ट हो जाएगी, तुझे पता नहीं चलेगा कब फास्ट हो गई, न्यूमेरिकल काफी आसान हो जाएंगे तेरे निकालना, ठीक आ जा, 70 का स्केयर 70 सीधा सही कर सकते हो, या 20 के हिसाब से जा सकते हो भैया, 50 में 20 और जोड़ दो, 90 की हाफ 45, अब 20 का स्केयर 400 होता है, 2 0 लिख दिया आपने, ठीक है, ये होगा 45, 20 बीस कितने, 400, 2 0 याद थी, 4 क्या करते हैं ऐड कर दो, 49 हो गया, ये था भाई 50 का फॉर्मूला, यानी अगर 50 से कम हो तो उतने घटा के हाफ करना, 50 से ज्यादा उस आदमी उसका स्केयर रख दो, ठीक है, 50 से ज्यादा हो तो उतना ही ऐड करके हाफ करना, आ जाओ यही केस, अब करते हैं 100 का, अब आपको पता है 100 की 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ नहीं करना, एक का लगा के 1 2 3 4 जीरो रख दो, 10,000 होती है कि नहीं, आ जाओ यहाँ पे, अब 10,000 में कितनी जीरो होती है ये बताओ, दिख रहे तो 1 बिलियन में कितनी जीरो होती है, कमेंट कीजिए, हाउ मेनी जीरो आर देयर इन 1 बिलियन, तुझे क्या लगता है, वही वीडियो चल रही है, ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा दिमाग करना हिलाए तो हमें कहना, आ जाओ आगे, काम ही है ना, ऐसा दिमाग हिलाना और क्या है, कि नहीं जल्दी से बता, समझ आ रहा है क्या, हाँ आ जाओ, 100 के हिसाब से करते हैं, 100 का बड़ा आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना, हाफ नहीं करना, बाकी सारे काम में बस क्या कर, 100 से कितना कम जाने में, 1 कम है, 1 घटा जाने में, वैसे इतना गया था मैं, कुछ नहीं, 2 अंक लिख दिए, 2 बच गए, 1 घटाया ना इसका स्केयर, हेलो भाई सर तो खा ले बेटा, 98, 100 से कितने कम है, 2 और कम कर, 96, कुछ नहीं करना, 2 का स्केयर, 2 अंक भी फॉर्म में रखना है, 04 रखता बस, 2 का स्केयर, देख इसमें परेशानी आ गई, फिर से सुन ले, यहां पे 2 अंक लिख, 2 अंक आगे लिखने, 2 अंक यहां लिखने, अगर 1 अंक आ रहा हो स्केयर करते हुए, जो घटाता है उसी का स्केयर करके लिखना होता है, तो आगे तो उसकी जीरो टेक दे, 04 ही रहेगा ना, ये लॉजिक है, बिल्कुल 94 पे जा सर, 6 कम है, 6 घटाऊंगा सर, 6 घटाते ही 8 आ गया, ले हुआ कि नहीं फास्ट, बिल्कुल 94, 7 घटाऊंगा सर, 86 हो गया, 3 निपटाए, 4 घटाते 86, 7 घटाए 49, सर विश्वास नहीं हो रहा, करके देख, 3 3 9 3 27 9 3 27 2 81 2 83 9 4 3 2 5, अरे सही आ रहा है क्या, सही समझा रहे हो सर आप, जल्दी से लाइक कर लो, अब तो कर सकते हो बिल्कुल, और जो ये है ना जिसे देखे मान लिया भी ठीक है, जैसे लाइक वगैरह के लिए बोल देते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए बोल देते हैं, फिर दोस्तों के पास क्या जाता है करने में, सीखने को मिल रहा है भाई, समझा रहे, बिल्कुल आ गया ना, 90 का स्केयर 81 यार तो नहीं जाना, 89 का, 100 से कितना कम है, 11 घटा 78, कुछ नहीं ठीक है, 2 अंक लिख दिए, 2 लिखने, जो घटाया 11 घटाया इसका स्केयर कितना होता है, 121,
अब इसमें तीन अंक है, दो लिखने वो तो लिख, एक बच गया, ये एक का जोड़ दे कितना हो जाएगा 79, 79, 121। ऐसे किसी का नहीं, 88 का 87 का 86 का कर 86 का स्केयर निकाल, जल्दी निकाल। 14 कम है, 14 घटा कितने गए 72, ठीक है दो, 14 घटाया 196 होता है, 6 ने ये खाली ऐड कर दे, गुणा करके देख 108 नहीं हो रहा, 86 86 56 36 3 6 28 3 51, 86 जा 48 4, 8 8 64 और 4 68, 6 9 8 5 13 83 74 76 है कि नहीं भाई? बिल्कुल है सर, है कि नहीं? ठीक है तो ये प्रैक्टिस करनी है। अब आ जा 100 से कम वालों भाई साहब, उतने घटाना था ना, मान लो जो 104 का निकालना पड़ जाए, चार ज्यादा है वही 50 वाली कहानी, चार ऐड कर दे कितना हो गया 108। ले ये नंबर ऐसे कैसे रखना है, रखना है। चार बढ़ाया, चार का स्केयर ले करके देखो ना, 105 का स्केयर निकाला, 5 जोड़ 110, कुछ नहीं 25, इससे आसान हो सकती है क्या कैलकुलेशन इसकी, तो ये था स्केयर का पार्ट। अब मुझे 105 की विश्वास नहीं, रख करके देख ले 105 की गुना 25 5, ये जीरो का निपटा दिया, दो फिर उसके बाद गुणा तो आती है ना, दो काटे नहीं रहते हैं हमारे प्रोसीजर, निकालने का सही चीजें आती है, आ जाते हैं एक से कितना 105, दो अंक टपक के ठीक, क्या बच गया तीन अंकों में आना ना, 5 0 5 2 10 1 110 25 110 25 है कि नहीं आंसर आ रहा है, 111 का स्केयर बता जल्दी से कमेंट कर, हरी है फास्ट, देखते हैं क्या हम उससे तेज निकाल पाएंगे, 11 ऐड करूंगा कितना होगा, 11 में 11 122 और 11 का करेंगे तो 121 आता, तो 21 याद रखूंगा फिर जोड़ दूंगा, और 11 का स्केयर 3 11 है तो कुछ नहीं करना, 111 के स्केयर में और भी सारे इनका स्केयर करना हो कितने हैं, 3 अंक है ना, 3 तक जा 1 2 3 उल्टा जा 2 1, 4 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 उल्टा जा 3 2 1, इनका स्केल भी साल एक होगा, राइट बता दो भाई। तो ये ना दोस्तों 50 के फॉर्मूले से 50 के कम वाले, 50 से ज्यादा वाले, 100 के फॉर्मूले से 100 से कम वाले, 100 से ज्यादा वालों का स्केल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, टाइम बचेगा ठीक है। अब आपको एक छोटी सी बात और सिखा देता हूं, ठीक है वीडियो लंबी होगी पर सीखने में तो बहुत कुछ मिला भाई, तेरी बीच के न्यूमेरिकल आसान होंगे तो लोगों से आगे निकल जाएगा, तू ये निकाल देगा तो अपनी गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी लेके चल, कोई नहीं रखता ना गारंटी, क्यों प्रिंसिपली है ना दिमाग का, क्या करें रट लो पर समझ के रट लो, अब रट लो का मतलब है यहां पे बार बार प्रैक्टिस करो पर समझ से, ठीक है जिंदगी भर तो भी तुझे कुछ चीजें याद कर रहेंगी, बार बार तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब याद होगी तेरे वो, तो काय का कंफ्यूजन ले रहा है धक्के से, चिल मार, प्रैक्टिस कर, मेहनत कर, आज छोड़ अपना, इस वीडियो में सर मोटिवेशन मिल गया, स्केयर का तो चल गया, और भाई स्केयर आपसे पूछ ले आकृति में स्केयर ऐसे तो लेकिन चारों में ऐसे होती है, समझ रहे हो, दैट इज व्हाट स्केयर हिंदी में कहते हैं, और तू निकाल दिया अभी हमने, मैंने ये प्रैक्टिस कर, अब ये तो आपका हो गया स्केयर, यहीं पे गाड़ी कर दूं स्केयर रूट की, किसकी भाई स्केयर रूट, देख कुछ नहीं स्केयर रूट का चक्कर क्या होता है, स्केयर रूट को पहले से इस करनी से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है पावर कितनी होगी 1/2, जो भी इस करनी में घुसेगा ठीक है तो उसे बोलते हैं स्केयर का निकलता है, स्केयर है मान लो ये मैं आपका इसका स्केयर रूट निकाल दो, स्केयर रूट का मतलब होता है ये करनी लगा, इस करनी का मतलब पावर 1/2, मान लो 256 का स्केयर रूट निकाल लो पावर कर देंगे 1/2, ठीक है कुछ नहीं इस वाले को, और यहाँ पे पावर 1/2 है ना सीधा, और ये बराबर से उस तरफ जाती है पावर, तो 1/2 में लिखी जाएगी ये पावर, इस तरफ लिखेंगे तो 1/2 है, अब इसका बोलेंगे स्केयर रूट, यानी कि 289 का स्केयर रूट 17 होता है, करने का मतलब है स्केयर रूट,
करने की वैल्यू पावर में होती है 1/2, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, पावर होती है इसकी 2। तो बराबर से जैसे इस तरह प्लस का बराबर हो जाता है माइनस का हो जाता है, इस तरह माइनस का बराबर के उस तरह प्लस का हो जाता है, सेम टू सेम पावर है 1/2 हो जाएगी। 18 का स्क्वायर है इस तरह जाके यही पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 1 लगा दो भाई। 19 का स्क्वायर है 1/2। 20 का इस तरह स्क्वायर रूट ऐसे लिखेंगे एक ही बार 20। किसी का भी निकालना हो 53-56 का, 43-56 का निकालना है 66 आ जाएगा, तो स्केयर के साथ स्केयर रूट भी कवर अप हो गया। अब एक और बात सुन लो यहां पे भैया, मैं कह दूं ये तो 62 का स्केयर निकाला, ठीक है आपने जो भी कहा निकाला 62 का स्केयर निकालना है आपको, ठीक है 66 का निकाल रखा है, यहां आपने 66 का स्केयर निकाल रखा है, मैं कह दूं -66 का स्केयर बताओ कितना होगा। यहाँ पे ये लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा उड़ा दिया, ये तो 1 मिलियन कर लिया होगा, ठीक है देखो क्या बोला मैंने, एक तो बोलो आपको -66 का स्केयर निकालो, एक बोलो -66 पूरे का स्केयर निकालो, ये इसमें तो माइनस चिपा रहेगा केवल इसके ऊपर स्केयर, ध्यान रखना केवल कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है पहले से माइनस, अगर ये पूरे के ऊपर स्केयर है तब इसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा प्लस, प्लस का कितना आएगा 4756, ये निकालते कितना था -4756, बाहर माइनस है 66 का स्केयर दो बार माइनस नहीं है, कि दो बार माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी यहां से हमें समझने में मिलता है अगर हम किसी का स्केयर करते तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी प्लस, यानी कि आप चाहे 66 का स्केयर कर दे या -66 का स्केयर कर दे वैल्यू कितनी आती है इसमें आएगी प्लस में आएगी। इसका मतलब जब भी आप किसी का स्केयर से क्या निकालेंगे भैया, स्केयर रूट, क्या निकालेंगे स्केयर रूट, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है प्लस 17 भी होती है और माइनस 17, तो हमेशा 2 रूट रहते हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं बेटा 2 रूट होते हैं। ये वाली बात जो मैंने बोली है ना इस तरीके से बोलना, ये एक प्रोग्रेस का एक नया पॉइंट होता है जो हमें अच्छे से मेहनत करने का समझ में आता है, ठीक है। तो इन चीजों को हल्के में नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे समझो प्रैक्टिस कर। तो 1 से लेके 100 तक का स्केल आपको एक सिटिंग प्लान में निकालना है जो कि हम इस वीडियो में अच्छे से देख चुके, ठीक है। तो अब गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, कुछ सीखने को मिला है, आपने कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बस शेयर कीजिए। मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, मेहनत कीजिए, सक्सेस गेन कीजिए। ऑल द बेस्ट।